सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासन पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आपको ब्रजमंडल की संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण उत्सवों के दर्शन लगातार कराता चला आ रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम ऊंचा गाँव, क्योंकि यहाँ हमारी किशोरी जी की सबसे बड़ी प्रधान सखी श्री ललता जी विराजती हैं। और आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और आज के दिन हमारी प्रभु का विवाह श्री ललता जी के साथ हुआ, जिसको समस्त ब्रजवासी ब्यावला लीला के नाम से जानते हैं। आज उसी लीला के दर्शन के लिए हम आपको श्रीधाम ऊंचा गांव, जो कि बरसाना से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां लेकर के आए हैं। और कैसा आनंद रस बरसेगा, आज प्रभु का विवाह उत्सव है और ललता जी के साथ में विवाह हमारी किशोरी जी ने कराया, क्योंकि भक्तों के जो मनोरथ होते हैं उनको ठाकुर जी स्वयं पूरा करते हैं। हमारी ललता सखी के मन में भी ये भाव प्रकट हुआ और उसी भाव की पूर्ति के लिए ठाकुर जी ने ऐसी लीला की। हमारी स्वामिनी जी ने अपने सानिध्य में इस विवाह को संपन्न कराया। ठाकुर जी का खूब आनंदमय उत्सव है ब्यावला लीला, तो आइए आनंद लेते हैं आज प्रभु की ब्यावला लीला का। ठाकुर जी के फेरे पारे जाएंगे, ठाकुर जी का साखोचार होगा और ठाकुर जी का विवाह संपन्न होगा। खूब आनंद रस बरसेगा, समस्त ब्रजवासी, समस्त वैष्णवजन, समस्त भक्तजन प्रभु की लीला का आनंद लेंगे। और आप भक्तों से एक निवेदन करूं, आप जो नीचे स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से आप संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, ताकि ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन आप भक्तों को प्रातः और शाम दोनों समय घर बैठे प्राप्त होते रहें। तो आइए चलते हैं प्रभु की उस अलौकिक लीला के दर्शन के लिए, जिसको ब्यावला लीला कहा जाता है। और अब आप आनंद लीजिए प्रभु के मंगल में विवाह उत्सव का। सखीगिरी पर्वत पे ठाकुर जी का विवाह श्री ललता जी के साथ में हुआ, उसी लीला के दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। प्रभु की बड़ी ही मंगलमय लीला, जिसको समस्त ब्रजवासी ब्यावला लीला के नाम से जानते हैं। ठाकुर जी का एक विवाह बचपन में श्री ललता जी के साथ में भी हुआ है और उसी को समस्त ब्रजवासी ललता जी का ब्यावला के नाम से जानते हैं। उसी उत्सव के दर्शन आज आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। ठाकुर जी देखिए दूल्हे स्वरूप में विराजमान है, आज हमारे श्याम सुंदर दूल्हे बन करके आए हैं। आप एक बार ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन करो महाराज। कर तो दियो लाला, कितने सुंदर लग रहे हैं दूल्हे बन के। नहीं है बगल में हमारी श्री ललता जी विराजमान है। ब्रजमंडल की बड़ी ही अनूठी लीला है ब्यावला लीला। हमारी किशोरी जी के जन्म के पश्चात सप्त दिवसीय बूढ़ी लीला महोत्सव ब्रजमंडल में चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज ऊंचा गांव में सखीगिरी पर्वत पर ठाकुर जी की ब्यावला लीला के दर्शन आप कर रहे हैं। नंदगांव से बराती पधारे हैं और देखिए ब्रजवासियों में कैसा उत्साह है ठाकुर जी के विवाह महोत्सव में। जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक भक्ति भक्त नजर आते हैं, ब्रजवासी ही ब्रजवासी नजर आते हैं। और देखिए प्रभु का कन्यादान हो रहा है। और देखिए पंडित जी साखोचार करेंगे, दोनों कुलन को आज वर्णन किया जाएगा पंडित जी के माध्यम से, जिसको साखोचार कहा जाता है। विवाह संस्कार में एक ये भी नियम होता है साखोचार करने का, और पंडित जी ये साखोचार करेंगे। और नंदगांव से जो बराती आए उनके भी मैं आपको दर्शन कराऊं। देखिए कैसे चश्मा लगा करके और सज के महाराजा लाला की बारात में ब्रजवासी आए हैं, और मैया भी बारात में पधारी हैं। और ऐसो ठाकुर जी को महामहोत्सव, ब्रजवासी तो खूब आनंद रस बरस रहे हो। ताके सर नीचे पोतरा हो में चंदन खम्ब बढ़ाए के मंडप दियो तनाए इत बैठे नंद राय जू उत बैठे नंद राय बीच बैठ ललता कृष्ण जट सुवा बरनी न जाए कन्यादान दिनो भगवान ने लीनो श्री जदुराय कारी काजल धूमरी जग गिनती गिनी न जाय फेरा फिर लाडली जग सोवा वरनी न जाय प्रथमी फेरा जब चले आगे
दीवान जू सुनो नंद जूरा कन्या दीनी टहलनी श्री कृष्ण दई परनाय जब मुझे और कन्यादान प्रारंभ हो चुका है। श्री ललिता जी और ठाकुर जी का कन्यादान हो रहा है। समस्त माताएं पधारी हैं कन्यादान करने के लिए, आप देख सकते हैं। ब्रज की ऐसी लीलाओं के दर्शन बड़े भाव से करने चाहिए, क्योंकि भाव के बिना ये लीलाएं समझ में नहीं आएंगी। श्री ललिताजू का कन्यादान कर रहे हैं, क्योंकि उसी पुत्री भाव से इस लीला को बरसानावासी देखते हैं और लीला को आनंद लेते हैं। क्योंकि हमारी किशोरी जी की जो आठ सखियां हैं वो पुत्री स्वरूप हैं। और आइए अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ हमारे ठाकुर जी के बारात में जो पधारे हैं सखा, उनके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ और उनके भाव भी जानता हूँ। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। आज आप हमारे लाला की बारात में पधारे हैं, कैसे सुख को आप अनुभव करें, कैसे आनंद रस बरस रहे हो? देखो सुख की बात है तो रसकन ने जो कही है, जो रस बरस रहे बरसाने सो रस बैकुंठ में ना आए, तो बैकुंठ में भी रस की प्राप्ति नहीं हो। शायद इसी को साखा ठाकुर जी ने इस ब्रज में आके जो लीला की है, बैकुंठ छोड़ के भी बैकुंठ बिसरा हो, बैकुंठ को छोड़कर यहाँ को बैकुंठ से ज्यादा रस यहाँ है। और ये कलयुग है, ठाकुर जी की लीला को 5250 वर्ष हो गए ठाकुर जी प्राकट को, उसके बाद भी द्वापर से आज कलयुग में भी वही रस बरस रहा है। आज भादो महीना के सुदी की द्वादशी तिथि है, बामन द्वादशी है, तो आज के दिन जो राधा रानी का बूढ़ी लीला महोत्सव है 10 दिवसीय षष्ठी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत चलता है, उसमें आज द्वादशी को आज देख रहे हैं आप। यहाँ ये अष्टगिरी पर्वत है और अष्टगिरी पर्वत पर यहाँ ठाकुर जी का और ललिता जी जो राधा रानी की प्रधान सखी उनके साथ ब्यावला हुआ है। आज की लीला के अनुसार ठाकुर जी और श्री जी की श्याम सखाई होती है जी। प्रथम मिलन उनका जो प्रेम सरोवर पर हुआ है और प्रथम मिलन के बाद खेलन चले चकवाडोरी, ठाकुर जी खेलने जाए निकुंज में, प्रिया जी मिले उनके रूप स्वरूप देख के ठाकुर जी मोहित है जाए और उन्हें मूर्छित है जाए। उधर श्री जी की यही दशा हो श्री जी अपने भवन में बतावे मैया को बतावे, तो ललिता जी नंद भवन में ले जाए, जसोदा मैया श्री जी के रूप देख के उनकी गोद भराई करे, तो ये सब लीला आज यहाँ रही है। तो जब श्री जी की श्याम सुंदर के संग सगाई होए तो वह भाव देख के ललिता जी के मन में आवे कि ऐसे मेरे भी कांत हो। तो जो सखी भाव है वो ये जो अपनी जो प्रधानता है सखी के जो सुख को वाह को दे वो प्रिया जी ने वो करके दिखाया। सगाई भई है ललिता जी के मन में भाव आयो तो खुद श्री जी ने ललिता जी के संग श्याम सुंदर का विवाह कराया, वही लीला जहाँ साकार हुई है। तो आप देखे श्री जी पीछे बैठी है और अपने सन्मुख ठाकुर जी को ललिता जी के संग विवाह कराया। ये यहाँ के जो सखीगिरी पर्वत है और यहाँ पे फिसलनी से लाए, अब समय भीड़ ज्यादा है, स्थान कम है, तो वहाँ के बचाव वहाँ के सन्मुख पहाड़ी के सन्मुख लीला भई है। और कल यानी कि अगले दिन गुरुवार को फिर साकरी खोर पे त्रयोदशी के दिन बूढ़ी लीला जो को मुख्य लीला है मटकी पोल लीला वो संपन्न होगी। नंदगांव के ब्रजवासी ग्वालवाल वहाँ आएंगे साकरी खोर पे और दान लीला, ठाकुर जी दान मांगे तो पीन पेते हैं, तो दान को मतलब ही ना टैक्स वैक्स, ये तो लौकिक जगत में दीखे का माखन मांग रहे हैं। असली दान ये है कि गोपिन के मन में जो भाव है ठाकुर जी के प्रति और कहीं भी उनमें थोड़ी सी न्यूनता आ गई है, भाव थोड़ा भी अगर बिचकते रहो तो वैसी चीज ठाकुर जी ने मांगी कि तुम्हारे अंदर दिव्य भाव रहे, कोई अगर न्यूनता वाली बात है तो भाई आप मुकू दे, यानी भक्त पर कृपा कर भी ठाकुर जी लीला करे। तो आज यहाँ पे इतने जो भक्त हैं ये भी सब ये ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ब्रज की ये साकार लीला है, जगह जगह राजधारी जो लीला करें वो भी ठाकुर जी को लीला को अनुकरण है, लेकिन ये जो लीला है ये कोई लोभ लालच के नहीं, स्वांता सुखाय के लिए भक्तन को सुखदाय विपू है। वे जो लीला है वो उधर पूर्ति के काज है, राजधारी है मंडली के इतने पात्र है उनकी जीव का चले तो वो वह उद्देश्य है, लेकिन ये प्रिय प्रीतम को उद्देश्य है उनको सुख देवे के काज है, अपने भक्तन को आनंद देवे। तो ये आनंद ले और जिनने ये लीला ना देखी है आपके चैनल के माध्यम से देखे, नंदगांव से पधारे आए वह भाव को तो वर्णन करो। अरे जब ठाकुर जी को भी आए हम नंदगांव के सका तो हम तो बारात में आए, बाराती है बरसाने में असल ससुराल हमारो न्यारो, लगत जगत के अलग नाते जो अलग है पर ठाकुर जी की ससुराल है,
तो भाई ससुराल में आयो, आप सब हमारे सारे सट्टे, हम आपके मेहमान आप के जमाई। मैं आपके भाव को प्रणाम करूं। जय हो, जय हो। वास्तव में आप हमारे पूजनीय रहे हैं और हमेशा हमारे पूजनीय रहेंगे। जय हो, ये आपको भाव है। राधे राधे भैया जी, राधे राधे। और ठाकुर जी के विवाह महोत्सव में देखिए भक्त किस प्रकार से आनंद लेते हैं, आप भी दर्शन करो। श्री ललिता जी और ठाकुर जी का ग्रंथि बंधन किया जा रहा है। हमारे ब्रजभाषा में कहें आंचर गांठ जोड़े जा रहे हैं और इसके उपरांत फिर फेरे होंगे महाराज। हमारी लाडली जी की अध्यक्षता में ये विवाह संपन्न हो रहा है। हमारी स्वामी जी विराजमान है, क्योंकि श्री ललिता जी के मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ और वह क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्तन के भाव को पूरा करें, हमारी स्वामी जी ने स्वयं इस विवाह को करवाया है। ललिता जी और ठाकुर जी के फेरे हो रहे हैं महाराज, आप बड़े भाव से दर्शन करें अलीला के। ये सातवीं है। ठाकुर जी को विवाह ललिता जी के साथ में संपन्न भयो, बड़े ही भाव की लीला है। अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ठाकुर जी ऐसी अनेकों लीलाएं किया करते हैं और आज खूब आनंद स्पर्शो है। और अब ठाकुर जी को पट्टा फेर कराया जा रहे हो, ललिता जी को ठाकुर जी के बाम अंग विराजमान करे जा रहे हो। और आइए अब मेरे साथ आप ठाकुर जी और ललिता जी के चरणों में प्रणाम करें महाराज। राधे राधे, बधाई हो आपको भी बहुत बहुत। प्रभु कृपा करें ऐसे दर्शन मेरे रोजाना देखते रहे मेरे गोविंद। राधे राधे, हरे कृष्ण। आज हमने और आपने ठाकुर जी की ऐसी महालीला के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद रस आपने अनुभव करे है, वो आनंद रस आपको कैसे लगे हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ठाकुर जी की ऐसी अलौकिक और दिव्य लीलाओं के दर्शन घर बैठे प्राप्त होते रहें। अगर आपने ब्रजमहिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रजमहिमा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वास्तविक ब्रज का जो भाव है वो आप भक्तों तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं प्रभु की ऐसी ही एक और अद्भुत लीला की वीडियो के साथ। तब तक के लिए सखीगिरी पर्वत
और ऊंचा गांव की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।